Hello everyone and welcome to CUET with Supergrads. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. So friends, यहाँ तक अभी हमारा सिलसिला बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है एंड आई होप कि आप सभी प्रॉपर वन बाय वन हर एक सेक्शन को देख रहे हो, हर एक चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो, राइट? और इसी सिलसिले को हम यहाँ पे आज आगे बढ़ाते हैं. और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज वेन डायग्राम. आज हम यहाँ पर वेन डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, राइट? और क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं. और एक कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी होता है, अच्छा खासा वेटेज रखता है ये, राइट? तो वेन डायग्राम की हम बात करें तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, राइट? तो समझना, यहाँ पर ओनली थ्री रिलेशन ही हुआ करते हैं अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो, राइट? वेन डायग्राम में केवल किन्हीं भी दो यू नो वर्ड्स के बीच में, किन्हीं दो शब्दों के बीच में केवल दो ही रिलेशन होते हैं. या तो एक ऑल वाला रिलेशन होता है, या तो फिर या तो ऑल वाला रिलेशन होता है या नो वाला रिलेशन होता है, और थर्ड हमें जो चेक करना है दैट इज सम वाला रिलेशन. ऑल वाला रिलेशन का मतलब क्या होता है, जस्ट एक और चीज समझना, वेन डायग्राम का मतलब ये है पूरा का पूरा रियलिटी पर बेस्ड ये चैप्टर है, टोटल रियलिटी पर बेस्ड है, पूरी की पूरी रियलिटी पर ये चैप्टर बेस्ड है. अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, रियलिटी का नॉलेज है तो ये चैप्टर इजी है. अगर आपको किसी वर्ड का नॉलेज नहीं है, किसी भी दो यू नो वर्ड्स के बीच में जो एक रिलेशन होता है वो आपको नहीं पता, देन आपको प्रॉब्लम आएगी. तो ध्यान से समझना, ऑल का मतलब होता है कि ऑल इट मीन्स कहीं ना कहीं ये एक रिलेशन होगा. अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने इंडिकेट नहीं किया कि क्यों, क्योंकि वेन डायग्राम में कभी भी सर्कल में एक इंडिकेशन नहीं आता कि ये सर्कल किस पर्टिकुलर वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑल मीन्स दिस ऑल, राइट? नो मीन्स दोनों के दोनों सेपरेट हैं. सम का मीन होता है कि उन दोनों में थोड़ा सा एक रिलेशन यहाँ पे लगा हुआ है. हाँ, है ना? तो ये एक सिंपल सी चीज है, किसी भी दो वर्ड के बीच में. दो वर्ड्स का मतलब क्या है मेरा, कि जैसे मैंने आपसे बोला मैंगो, और एक वर्ड यहाँ पर और है दैट इज फ्रूट्स, राइट? हाँ, मैंगो और फ्रूट्स में एक रियलिटी पर क्या रिलेशन है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, दैट इज रिलेशन बिटवीन मैंगो एंड फ्रूट्स. हाँ, है ना? अगर यहाँ पर मैंगो है और यहाँ पर एप्पल आता तो हम जानते कि हम ये वाला रिलेशन बनाते. तो अल्टीमेटली हम ये समझ सकते हैं कि वेन डायग्राम क्यों पूछा जाता है, कि ये दो वर्ड है इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है, लेकिन वो रिलेशन हमें डायग्राम की हेल्प से बताना है. तो यू नो कभी कभी बिल्कुल सटीक डायग्राम भी आपको टेक्निक करना होता है, एक बेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन दैट इज अवेलेबल इन द ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है आप कभी कभी वहां पे भी जा सकते हो, क्योंकि तो ये लॉजिकल रीजनिंग है, थोड़ी सी चीजें यहाँ पे चलेंगी. तो वन बाय वन आते हैं डायरेक्टली इसमें. जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, मैंगो है, फ्रूट्स है और एप्पल है. यहाँ पर मैंगो है, फ्रूट्स है एंड एप्पल है. तो अब आप कैसे जा सकते हो, तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर आपको कभी कंफ्यूजन है, वैसे तो ये थोड़ा सा सिंपल ही चलेगा, बट अगर आपको कभी कंफ्यूजन है तो सबसे पहले आप ऑल वाला रिलेशन चेक करोगे, अगर वो नहीं होता है तो फिर आप नो वाला, और उसके बाद फिर आप जो जाओगे वो जाओगे यहाँ पर सम वाले रिलेशन पर. क्या बोला मैंने आपसे, सबसे पहले आपको ऑल वाला रिलेशन चेक करना है, देन नो वाला एंड देन सम वाला रिलेशन. तो यहाँ पर कोई भी दो वर्ड ऐसे पिक कर लो जो आपको ईजी लग रहे हो. तो हम जानते हैं कि सर मैंगो एंड एप्पल को पिक करते हैं, क्यों, क्योंकि मैंगो कभी भी एप्पल नहीं होता और एप्पल कभी भी मैंगो नहीं होता. हाँ, है ना? आप बस आपसे खुद से क्वेश्चन करो, जैसा कि आपको ऑल वाला चेक करना है, क्या 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 या ऑल मैंगोज एप्पल हैं, जस्ट 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 आस्क योरसेल्फ, खुद से ही क्वेश्चन करो, ऑल मैंगोज एप्पल है या ऑल एप्पल मैंगो है. नहीं, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, नो मैंगो इज एप्पल, या फिर नो एप्पल इज मैंगो, यस इट्स करेक्ट. और ये दोनों के दोनों फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इन्हें हम इसके अंदर रखेंगे. इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. बात समझ में आ रही है? तो स्टेप हमारी क्या है, सिंपल सी स्टेप यहाँ पर धीरे धीरे हम फॉलो कर रहे हैं. वन टू एंड थ्री, सबसे पहले ऑल, फिर नो एंड फिर सम. ओके, यहाँ पर कभी भी थ्री वर्ड्स आएंगे तो आपको केवल दो ही वर्ड को पिक करना है, केवल दो ही वर्ड को पिक करना है. ऑलराइट, कोई भी दो वर्ड यहाँ पे आप पिक करोगे और उनके बीच में रिलेशन बनाओगे, पहले तो ऑल चेक करना, देन नो, फिर सम चेक. उसके बाद जो थर्ड वर्ड होगा, याद रखना, फिर इसे यहां से कनेक्ट करवाना, फिर इसे यहां से कनेक्ट करवाना, और फिर जो फाइनल रिलेशन मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वर्ड का इन दोनों के साथ, वो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हो. मतलब अल्टीमेटली आपको डायग्राम भी नहीं बनाना, बस आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, राइट? नाउ सेकेंड वन इज प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस. अगेन वही है, प्रॉफिट अगर हम बात करें, डिविडेंड भी एक प्रॉफिट है, बोनस भी एक प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का ही हो गया. लेकिन अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कभी भी डिविडेंड बोनस नहीं होता, बोनस डिविडेंड नहीं होता, तो ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, राइट?
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो? ठीक है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुमन मदर एंड डॉक्टर। सबसे पहले वो हिट करो जो आपको वर्ड बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आप नहीं जानते कि डॉक्टर्स क्या होते हैं तो फिर मे बी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करने को मिल सकती है। तो पहले तो हम यहाँ पे जाए, देखो बहुत ही प्रैक्टिकली अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वुमन है और मदर्स है, और हम जानते हैं कि जितनी भी मदर्स होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, वुमन होती हैं। हाँ या ना? अब अगर हम इस हिसाब से देखें ना तो ऑप्शन नंबर बी तो हम कभी नहीं टिक करने वाले, और पूरे के पूरे डॉक्टर मदर तो डी भी टिक करने वाले नहीं है। अब जो भी डाउट बच रहा है वो हमारा ए में बच रहा है और सी में बच रहा है, राइट? तो एक जो है, एक सर्कल जो है वो सभी को कवर करेगा। वुमन सभी को करेगा? नहीं। मदर को करेगा? डॉक्टर सभी को करेगा? नहीं। इट मीन्स ये भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये वो तरीका बताया मैंने, जब आपको कभी उलझन हो और आप ऐसा कुछ फाइनल ना निकाल पाओ तो ऑप्शन से आंसर करना है तो आप जा सकते हो इस तरीके से, राइट? वैसे आप देखो, ऑल मदर्स आर वुमन, जितनी भी मदर हैं इस पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम, पूरी मेजोरिटी की यहाँ पे बात करेंगे, ऑल मदर्स आर वुमन, राइट? अब हम यहाँ पे डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर क्या है बताओ जरा? ऑल डॉक्टर्स आर मदर? नहीं। ऑल मदर्स आर डॉक्टर मतलब इस दुनिया में जितनी भी मदर्स हैं सभी की सभी डॉक्टर हैं? नहीं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा? समका बनेगा। और इसी डॉक्टर का वुमन के साथ अगर हम देखें तो समका रिलेशन बनेगा, इट मीन समका रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा। नाउ ऑप्शन नंबर इज वन इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? किसी भी तरीके से जाओ, एक और चीज यहाँ पे समझ रहा, राइट? एक और चीज यहाँ पे हो सकती है, वो क्या कि जब आप यहाँ पर जल्दबाजी में, क्योंकि तो थोड़े से वर्ड इजी ही लगेंगे आप लोगों को, जल्दबाजी में जब आप टिक कर रहे होगे ना, क्योंकि तो हो सकता है इजी लगेगा, जब बहुत ज्यादा चीजें इजी दिखती हैं तो एग्जामिनर जानता है आपसे गलत कहाँ करवाना है। तो जहां पे भी आप टिक कर रहे हो एक बार सेटिस्फाई कर लेना कि ये सर्कल ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मुश्किल से मुश्किल आई थिंक 5 to 10 seconds और ज्यादा लगेंगे, बट ये आपका रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जो किया है वो सही होगा, मतलब जैसे कि इंडिया, राजस्थान एंड जयपुर। हम जानते हैं जयपुर, ये पूरा का पूरा जयपुर राजस्थान के अंदर आता है और राजस्थान पूरा का पूरा इंडिया के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बस मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के पैटर्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनट बन जाए, आवर्स बन जाए और फिर वीक बन जाए, मिनट बन जाए, आवर बन जाए और सेकेंड यहाँ पे बना लो, सेकेंड मिनट आवर्स, इनका भी यही सेम कंडीशन बनने वाला है। ऑल 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 राइट। यहाँ पे देखो एप्पल बनाना एंड मैंगो, एप्पल बनाना एंड मैंगो। एप्पल ये भी एक फ्रूट है लेकिन टोटली डिफरेंट है, बनाना भी टोटली डिफरेंट है और मैंगो भी टोटली डिफरेंट है। इसमें आई थिंक कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, बोथ मतलब तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो? ये फ्रूट्स तो हैं लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि सर ये तो फ्रूट्स हैं कनेक्टेड होंगे, नहीं। आप इंडिविजुअली केवल एप्पल पे फोकस करो, आप केवल बनाना पे फोकस करो, आप केवल मैंगो पे फोकस करो, एंड देन फिर आप डिसाइड करो कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये एक अलग ही टाइप का फ्रूट है एप्पल, एक मैंगो अलग ही टाइप का फ्रूट है। आया ना? कभी ऐसा हुआ है कि आधा मैंगो है आधा एप्पल है, तो सम मैंगोज आर एप्पल, तभी होगा ना कि जब एक एक पर्टिकुलर फ्रूट रखा हुआ है और आप इसे मैंगो भी बोल पा रहे हो और आप इसे फ्रूट भी बोल पा रहे हो। बात समझ रहे हो? आया ना? चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, मेल फादर एंड ब्रदर। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले थी वो देखो जो दो वर्ड आपको इजी लग रहे हैं, मेल एंड फादर। हाँ या ना? सर ब्रदर भी तो मेल होता है, जितने भी ब्रदर है सभी मेल है, फादर भी क्या है? मेल है। तो हमने ये मेल का सर्कल बना लिया, इसके अंदर ही दोनों सर्कल आएंगे। ऑप्शन ए कैन नॉट बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी कैन नॉट बी द राइट आंसर। देखो ऐसे ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब हमने देखा कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा यहाँ हमें पता लग जाएगा, तो जितने भी ब्रदर है वो फादर है ब्रदर है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। लेकिन अब जाओ फाइनली, ये समझ में आया ना ये क्यों नहीं? बस आपको अगर कभी भी दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो और फिर आप बस सेटिस्फाई करके देखना क्या यहाँ पर ऐसे कुछ हम पुट कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो बचा अभी करेक्ट, सोचना भी नहीं है फिर, बस नन ऑफ दीज ना हो ऑप्शन में, बस तब करना ये चीज। तो फादर है एंड ब्रदर है और हम जानते हैं दोनों दोनों क्या है, मेल। तो फादर एंड ब्रदर के बीच में क्या रिलेशन होगा? हम जितने भी ब्रदर हैं सभी के सभी फादर हैं क्या? नहीं। किसी किसी की शादी भी नहीं होती है, और जितने भी फादर हैं सभी के सभी ब्रदर हैं? नहीं। कुछ ऐसे फादर होते हैं ना जिनमें कोई ब्रदर ही नहीं है,
है ना, तो ऑल तो नहीं लग रहा, कोई भी फादर ब्रदर ही नहीं है, नो भी नहीं लग रहा, तो क्या लगेगा? सम। अब आप सोच रहे हो कि सर ये सम कैसे लग रहा है, तो देखना एक पर्सन है जो कि क्या है, एक मेल पर्सन है, राइट, और मेल के बाद इसकी शादी करवा दी हमने, तो ये बन गया फादर, राइट। अब इसका एक ब्रदर भी है, हाँ या ना, देखो मेल तो है लेकिन फादर भी बन गया है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर पर्सन का ब्रदर भी है, इसका ब्रदर है, इस पर्टिकुलर पर्सन का फादर है, इस पर्टिकुलर पर्सन का हस्बैंड है, तो वो एक पर्सन है और एट अ टाइम वो फादर भी है और ब्रदर भी है, तो ये सम वाला रिलेशन जो है वो उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे और मैं ये बोलूंगा कि एक बार बस थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, राइट, और इसे अपने एंड से सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। पैट्स हैं, कैट है और डॉग है, देखो कैट अलग डॉग अलग है ना, कैट और डॉग दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। अब हम पैट की बात करें तो आप लोगों ने शायद ये वाला ऑप्शन चूज किया होगा, ऑप्शन नंबर ए, आई विश, आई होप, नहीं ओके तो याद रखना पैट जो है वो क्या होते हैं, पालतू, पैट का मतलब क्या होता है, पालतू, तो सभी के सभी डॉग, सभी के सभी कैट पालतू नहीं होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जो वाइल्ड मतलब स्ट्रीट डॉग भी होते हैं जो आवारा जिन्हें बोला जाता है ना, जो जंगलों में पाए जाते हैं, यस और नो, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे ड्रॉ करना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये पैट है, ये डॉग है, ये कैट है, सिंपल। ऑलराइट, मैरिड वुमन एंड टीचर, चलो मैरिड वुमन एंड टीचर हम इन दोनों को पिक कर लें, देखो मैरिड का मतलब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैरिड मतलब क्या, मैरिड मैन भी हो सकता है, मैरिड एक वुमन भी हो सकती है ना, मैरिड मतलब मैरिड, यू आर मैरिड, अब ये मैरिड से कोई जेंडर डिसाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, वुमन, कुछ वुमन मैरिड होती हैं, कुछ वुमन मैरिड नहीं होती हैं, सिंपल है, जो मैरिड है वो कुछ वुमन होते हैं तो कुछ मैन होते हैं। अब टीचर को कनेक्ट करवाना, टीचर वुमन भी हो सकती हैं, मैरिड भी, लेकिन सभी ये कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंपल सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये वाला जो पर्सन होगा ये कौन है बताओ, ये पर्सन वो है जो टीचर है लेकिन वुमन है और वो मैरिड भी है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन स्टूडेंट एंड लॉयन, तो हम जानते हैं जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी के सभी ह्यूमन ही तो होते हैं, हाँ या ना, जो लॉयन है क्या वो स्टूडेंट होता है, नहीं, ह्यूमन होता है, नहीं, टोटली डिफरेंट, सो ऑप्शन नंबर ए, जस्ट सिंपल क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो आपको ना जब कभी भी आपको अगर ये टिक कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि जल्दबाजी का मतलब क्या, तो आप पुट करो, अच्छा ये आप इसे लॉयन बोल रहे हो, आप इसे स्टूडेंट बोल रहे हो, आप इसे ह्यूमन बोल रहे हो, और फिर इसे यहाँ पे सेटिस्फाई करो कि क्या ये रियलिटी पर सब सही है, और अगर यहाँ पे कुछ भी यू नो ओवर रूल्ड कर रहा है जो हमारा नेचर है, मतलब ऑन रियलिटी पर है, ये पूरा का पूरा सत्य घटना पर आधारित चैप्टर है ये, हाँ ठीक है, हाँ ऐसा आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, पोएट एंड पॉलिटिशियन और चाइल्ड, तो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो कुछ क्या होते हैं, पोएट होते हैं, हाँ या ना, और जो चाइल्ड होता है ना तो वो पॉलिटिशियन होता है और ना ही वो पोएट होता है। अब आप सोच रहे होगे कि सर जो स्कूल में पोएट मतलब जो हम पोएम्स वगैरह सुनाते हैं आप वो रटी रटाई पोएम बनाते हो, पोएट का मतलब जानते होगे कवि, आया ना, जैसे लैंग्वेज का नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो पोएट भी हैं, कुछ ऐसे पोएट हैं जो पॉलिटिशियन भी हैं, बाकी कुछ सेपरेट चल रहे हैं, तो चाइल्ड अलग होगा। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन, मेल फादर एंड चिल्ड्रन, ओके मेल फादर, तो फादर क्या है, पूरे के पूरे मेल होते हैं, लेकिन जो चिल्ड्रन है वो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, फादर कभी नहीं हो सकता, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हाँ है ना, नाउ तो ये थे हमारे कुछ यू नो वर्ड पर बेस्ड वेन डायग्राम जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं, और जितने भी मैक्सिमम टाइप के बनते हैं पैटर्न वो सभी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, अप्रोच आई थिंक क्लियर होगी कि हमारा यहाँ पर केवल थ्री रिलेशंस ही फॉलो होते हैं, ऑल नो एंड सम, ऑल चेक करना है, नो चेक करना है, सम, ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे ही आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे आप यहाँ पर आराम से इसे हैंडल करना जान जाओगे, राइट। सेकेंड पॉइंट, फिर क्या करना है कि आप जैसे ही मैं टिक कर रहा हूँ कि सपोज मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरा आंसर है, आप एक बार बस ये सेटिस्फाई करवाना कि ये फादर है, ये मेल है और ये क्या है चिल्ड्रन,
क्या ये ऑन रियलिटी पर सही है? क्या ये वास्तविकता पर आधारित रिलेशन है? और अगर हाँ, वो सब सच होता है कि ऑन रियलिटी, मतलब एक मेजर पर्पस से इस क्वेश्चन को, इस कंडीशन को सोच के देखना, आपको आपका आंसर मिलेगा, राइट? अब यहाँ पे आता है टाइप टू, और टाइप टू बहुत सिंपल होता है, मतलब बस रीड करना है और सॉल्व करना है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी होती नहीं है। जैसे कि इन द गिवन फिगर विच नंबर राइट रिप्रेजेंट्स ब्राउन एनिमल, अब ब्राउन कौन है, जो ये स्क्वायर है, एनिमल कौन है, जो सर्कल है, टेल मतलब जो कि ट्राइंगल पर, मतलब एक डायग्राम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को, एक पर्टिकुलर रिलेशन यहाँ पे बता रहा है कि वो चीज क्या है, कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें बस यही सिंपल सा पूछना है मुझे कि बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो ट्राइंगल और सर्कल में है बस, लेकिन वो स्क्वायर में नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है जो ट्राइंगल में है, स्क्वायर में है, दोनों में तो है, लेकिन वो सर्कल में नहीं। तो मैं इसे डायरेक्टली ना पूछ, कुछ इस तरीके से पूछ रहा हूँ, समझ रहे हो? विच डोंट हैव एनी टेल, राइट? ओके, तो यहाँ पे टेल में नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ से जितने भी नंबर है वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते, पूरे के पूरे नंबर गायब हो गए, ये एक भी नंबर आपको अब देखने ही नहीं है। लेकिन वो ब्राउन भी है और एनिमल भी है, मतलब वो दोनों में होना चाहिए, तो नंबर क्या है बताओ? 5, ओनली 5 ही है, तो हमारा 5 होगा, कुछ और होता हम वो ऐड कर देते, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। कंप्यूटर एंड मैथ्स स्टूडेंट, कंप्यूटर एंड मैथ्स स्टूडेंट, मतलब इन दोनों की वो बात कर रहे हैं, बट नॉट बायोलॉजी, इनको हटा दो, इसको हटा दो, मैथ्स एंड बायोलॉजी मीन्स 6, वो दोनों में होना चाहिए, 6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था एक बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा चैप्टर, दैट इज वेन डायग्राम। इसके प्रैक्टिस करना, अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, राइट? अच्छा खासा वेटिंग्स रखता है ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके एग्जाम में, बस प्रैक्टिस करना और थोड़ा सा समझ के चलना। बस एक गलती जो होती है कि हम जल्दबाजी में जो गलतियां करते हैं, राइट, एक रिलेशन को हम समझ नहीं पाते हैं, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपका गायब हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत कम करते हो तुम लोग यहाँ पर, आया ना? ठीक है, बाकी जो भी जिसका भी आज फर्स्ट सेशन है, जिसने भी फर्स्ट सेशन देख रहा है, पुराने बहुत सारे इन पर बेस्ड, मतलब टॉपिक्स पर बेस्ड हमने सेशन बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, LR वाले प्लेलिस्ट में जाना, राइट, वहाँ पर वन बाय वन हर एक चैप्टर को कंप्लीट करना, प्रॉपर नोट्स बनाना। आई होप कि आपकी प्रॉपर तैयारी चल रही होगी, ऑलराइट? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।